गढ़वा जिला पुलिस अपने कप्तान श्रीकांत सुरेश राव के नेतृत्व में हर मामले का खुलासा कर रही है और अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी आज एक सवाल उठ रहा है कि आखिर लावारिस का वारिस पुलिस कब तक ढूंढ पाएगी। आप समझे हमने किस लावारिस की बात की। आपको बताएं कि गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव में आज से 4 रोज पहले 7 बैग बरामद हुआ था, लावारिस रूप में पड़ा हुआ था। अहले सुबह लोगों ने यहाँ पर देखा था, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस तत्पर होकर के यहाँ पर पहुँची, डॉग स्क्वाड का टीम आया, उसके बाद तब बैग को खोला गया, उसमें पाया गया कि नशे का सामान बनाने की सामग्री उस सारे बैग में पाई गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, उस लावारिस बैग का वारिस पुलिस कब तक ढूंढेगी। हमारी बात अधिकारी से भी हुई थी उसी रोज, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि आखिर उस बैग को किसने यहाँ रखा था। इसे गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम उसी अंतर्राज्यीय बस पड़ाव में हैं, आप देख सकते हैं अभी आपको भीड़ भाड़ भरे यहाँ पर नज़र आ रहा हो। लेकिन उस रोज लोग इतना दहशत में थे कि आखिर बैग में क्या है, लावारिस रूप में बैग पड़ा हुआ था। आप देख रहे हैं वो बैठने का जो बेंच बना हुआ है, उसी बेंच के नीचे बैग प्लांट वे में रखा गया था। एक साथ बैग नहीं रखा गया था बल्कि अलग अलग रखा गया था। इसी बात को लेकर दहशत बनी हुई थी कि आखिर बैग में कहीं बम तो नहीं, कोई ऐसी सामग्री तो नहीं। पुलिस वहां पर पहुंची और लगातार उसे मॉनिटरिंग करती रही, डॉग स्क्वाड का टीम या CRPF द्वारा, तब जाके स्पष्ट हो पाया कि आखिर बैग में क्या था। हम आपको बताएं कि उस बैग में डोडा जो कहलाता है, पंजाब के इलाके में वो चला करता है, नशे का सामान होता है, उसी डोडा का भूसी बताया गया कि उस भूसी से नशे का सामान बनता है। अब आखिर उस नशे के सामान बनाने का इतना बड़ा खेप 7 बैग में वो था, इतना बड़ा खेप आखिर किसके द्वारा लाया गया, कहां से लाया गया, यह बात सारी बात की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है, तफ्तीश कर रही है और उसकी छापामारी कर रही है ताकि उस जो उस बैग को लाया था उस गिरफ्तारी की जा सके। हम आपको बताएं कि निश्चित रूप से सख्ते में डाल देने वाला बात है कि नशे का इतना बड़ा खेप, जो नशे का सामान बनाने की बात आ रही है कि उसमें था, उसे आखिर लाया कहां से गया था। इंटर स्टेट गाड़ियाँ यहाँ पर चला करती हैं। हमारा जो ज़िला है गढ़वा, UP, छत्तीसगढ़ और बिहार से सटा हुआ है, तो आखिर किस राज से यहाँ पर आया और उसे कहाँ ले जाया जा रहा था। हम आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि गढ़वा जिले को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के दिशा में पुलिस प्रयासरत है, यहाँ पर लगातार सफलता मिल रही है और पुलिस की इतनी दबिश है नशा कारोबारियों के ऊपर कि लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, चाहे शराब बनाने का मामला हो या अफीम हीरोइन बेचने का मामला हो, यहाँ अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। ग्रामीण क्षेत्र हो, जिला मुख्यालय हो, लगातार कार्रवाई होती है। ऐसे में यह नशे का इतना बड़ा खेप बरामद होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि वह इतना बड़ा खेप आखिर कहाँ से लाया गया, उसे कहाँ भेजा जा रहा था। हम आपको बताएं कि जो चर्चा है उसके अनुसार कि रात में वह बस से लेकर के यहाँ उतरा था, इसी बस पड़ाव में, यहाँ पर PCR की टीम लगातार घूमती रहती है, उस PCR के टीम को भी उसने देखा और उसे यह भी मालूम चला कि हम जहाँ भी जाएंगे, या तो UP जाएं, बिहार जाएं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जाएं, तो बॉर्डर पर हम झारखंड से जाएंगे तो बॉर्डर पर जब हम जाएंगे वहाँ पर जांच होगा, उस जाँच के दायरे में आ जाएंगे और हम पकड़ में आ जाएंगे। यही सोच कर वह उस सारे बैग को छोड़ करके भाग गया और अगले सुबह जब लोगों ने उसे देखा था, लोग सख्ते में आ गए थे कि आखिर बैग अगर छूटा होता तो एक जगह रखा होता, अलग अलग बेंच के नीचे उसे प्लांट नहीं किया जाता। इसी बात को लेकर लोग दहशत में थे, लेकिन लोग पूरी तरह से फ्री तब हुए जब डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा जब देखा गया, परखा जांचा गया, तब उसमें मिला कि इसमें बम नहीं है, इसमें डोडा की भूसी है। लेकिन आज सवाल है कि वह डोडा की भूसी और नशे का सामान बनाने की जो सामग्री है उसे लाया कहां से गया था और कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं। हो न हो, इस तरह से कहा जाता है कि नशा का कारोबार हो अपने ज़िले में या कोई अपराध का
मामला हो, निश्चित रूप से सफ़ेद पोश भी उसमें शामिल होते हैं। हो क्या यहाँ का भी कोई सफ़ेद पोश उसमें शामिल तो नहीं। इस सारी बातों को लेकर के पुलिस छापेमारी में जुट गई है, पड़ताल में जुटी है। मेरा भी निश्चित रूप से सबका उस पर नज़र लगा हुआ है। हम भी इंतज़ार करेंगे कि आखिर उस लावारिस बैग का वारिस कौन है, यह कब तक खुलकर सामने आ पाता है। बात कैमरामैन मनीष एवं सहयोगी सोनू एवं विकास के साथ आशुतोष रंजन, अंतर्राज्यीय बस पड़ाव गढ़वा।